कल्पना, शराब पी थी इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। आपने शराब पी थी इसलिए आपकी वाइफ ने आत्महत्या की, जहर खाया। गाली तनखा दे दिए तो गुस्सा में दारू पी के। क्या हो गया? गाली दे दिए थे तो आपने गाली दी थी इसलिए उसने जहर खा लिया। कब खाया? आज सुबह ने। आज सुबह उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ, वहाँ तरावड़ी लेके आए। कहाँ के रहने वाले हो? पखाना। ये कहाँ पड़ता है? पखाना तरावड़ी पड़ता है। समय अभी लाइव तस्वीरें देख रही हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्ची हाउस के बाहर से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पति जो है यहां पर अपनी पत्नी को ये कहते नजर आ रहा है, जिनकी पत्नी जो है मर चुकी है, कि मेरी पत्नी जो है वापस आ जाए क्योंकि उसने जहर खा लिया। जहर क्यों खाया वो अगर आप कारण सुनेंगे तो हैरान। क्या नाम है आपकी पत्नी का? संजू देवी। संजू देवी कहाँ के रहने वाली है? बिहार का हूँ सर। नहीं, यहाँ कहाँ रहते? पकाना रहते हैं दीदी। पकाना रहते हो? तरावड़ी के पास। तो क्या हुआ आपकी पत्नी को? कुछ नहीं हुआ था, किसी से झगड़ा झुगड़ा नहीं हुआ था। मैं पी लिए थे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा गाली दे दी गुस्सा में। और सामान सामान खाना उना नहीं बना दिए, बनाने नहीं दिए मैं, इसलिए वो गुस्सा में जाके दवाई खा लिया। मैं चल गई। कौन सी दवाई खाई उन्होंने? पता नहीं दीदी जी। उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए? हाँ, तो मैं और मेरे इसका साली मेरा बहन यही है, उनको बहन है, तो वो सब काम पर चल गए, वो भी काम पर जाता था। तो उसके बाद हम लोग ड्यूटी पे गए तो बोला कि यहाँ से दवाई खा लिया, फिर गए। उसके बाद ट्रैवल लेके आए, ट्रैवल लेके आए तो वहाँ से आया, सारे रास्ता बात करते हुए आया। अच्छा, तो बात जब कर रहे थे तो क्या कहा आपकी बीवी ने? ठीक है से बोल रहा था। अच्छा, पूछा नहीं क्यों खाई दवाई? चाहता के बोलता मत रो, ऐसे लोग पूछ रहा थे करे। तो आपको क्यों लगता है कि आपके शराब पीने की वजह से उन्होंने ऐसा किया? कब की बात है ये? आज की बात है। आज की बात है। क्या उम्र है आपकी पत्नी की? यानी उम्र होगा उसको, बच्चे भी हैं? हाँ, दो बच्चे हैं। क्या उम्र है बच्चों की? एको का 7 साल, एको का 6 साल होगा ऐसा ही। अच्छा, स्कूल जाते हैं? हाँ। तो आपने शराब क्यों पी? पी लिया था, पहली बार पिए थे तो झगड़ा हो गया था, फिर एक बार। अच्छा, किसने पिलाई थी? हमारी जिंदगी उजाड़ गया हो दीदी जी, हमारा अभी दे दो ना। अभी देंगे ना, पोस्टमार्टम चल रहा है भैया। पोस्टमार्टम में घुस आया था अभी तक, हमारा बीवी को मत जी। बीवी कभी कूनून देखता था तो खाना नहीं खाता था, ऐसा आदमी था। कभी ब्लेड ब्लेड देखता था ना तो खाना नहीं सारे दिन खाता था। तो अब तो डेथ हो गई ना उनकी? आज दुनिया से चल गया मेरे लोग का, चोर के बच्चा का। क्या चिड़ना मन? वो तो पोस्टमार्टम तो होगा उसका। बच्चे का न्याय कर देना, बच्चे का कौन देखेगा, हम कैसे काम करेंगे। तो अब तो डेथ हो चुकी है ना आपकी वाइफ की? हाँ। कैसे हुई है? दवाई वाई सर, मेरे बच्चे को भी न्याय कर दे। बच्चे का कौन खाना करा के देगा? क्या न्याय कर दे? कुछ बच्चे का सहारा दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। तो आपने शराब क्यों पी थी जब आपकी पत्नी को पसंद नहीं था? अरे वो पहली बार पी लिए थे दीदी जी, गलती हो गया तब, गलती का दुनिया लेके चल गया। आज पहली बार एक बार और पिए थे तो गुस्सा में बोल दिया, फिर आई पहली बार पी लिए। क्या करते हो आप? हम बैठे बैठे चावल चुवल पैकिंग पुकिंग ऐसे लगाते हैं, पैक बुक लगाते हैं ना जैसे। पत्नी क्या करती थी? ओ, चावल भरती थी और बन जाए मेरे साली है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तरावड़ी के पास एक गांव से जो है ये व्यक्ति आए हुए हैं, जिनका ये कहना है कि मैंने शराब पी ली थी जिसके बाद मेरी पत्नी को मैंने गालियां निकाली और इसी चक्कर में जो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरा बीवी को मत चीरो, हमारा बीवी बहुत लक्ष्मी है, उसको मत चीरो। अब तो डेथ हो चुकी है आपकी बीवी की, आप तो शराब पी। तो क्यों चीरेगा भाई, नहीं चीरो। पोस्टमार्टम तो होगा ना? आज तक कौन देखेगा मेरा लड़का को? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। ठीक। क्या नाम क्या आपकी वाइफ का? संजू देवी। संजू देवी। संजू देवी की जो बहन है, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगी। कैसी हुई है मैडम ये डेथ? शराब ने उसने न पी लिया था। अच्छा। मैं तो ड्यूटी सुबह में चल गई, रात में पिया तो सुबह नहीं ना पीना चाहिए, फिर सुबह में पी लिया।
हम बोले जे मन काम पर चल गया, उतर अबरी गया वहाँ से दवाई लेकर, तले हम लोग काम पर निकल गए, बस खा लिया वहाँ गया। उसको बच्चे ने कहा से मेरा मम्मी ने दवाई खा लिया, वहाँ से दौड़ के आए तो उल्टी उल्टी कराए, पैखाना भी हुआ। तब वहाँ तराबरी में सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ एक बोतल पानी चढ़ा, वहाँ से लेकर यहाँ भेज दिया, यहाँ लेकर आए, तले रास्ते पर छूट गया। पहले भी पीता है ये शराब? हाँ पहले से भी पीता था, बहुत पीता। ये तो कहते कि मैंने दूसरी बार पिया था? नहीं, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? क्या नाम है इसका? अखिलेश है। आपका नाम क्या है? मंजूद है। कहाँ के रहने वाले हो? पखाने के। पखाना कहाँ पड़ता है? ये तराबरी के पास पड़ता है। तो लगता है इसकी वजह से मौत हुई है? हाँ, दारू के कारण हुआ है। दारू ही नहीं पीता। चाहते हो इसको सजा हो? नहीं, विकलांग आदमी का क्या सजा करें, विकलांग के क्या सजा करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल पति काफी ज्यादा परेशान है। दीदी जी, हम बिहार ले जा सकते हैं? आपको दे देंगे पोस्टमार्टम के बाद। पीता है ये शराब? हाँ पहले से भी पीता था, बहुत पीता। ये तो कहते कि मैंने दूसरी बार पिया था? नहीं, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? क्या नाम है इसका? अखिलेश है। आपका नाम क्या है? मंजूद है। कहाँ के रहने वाले हो? पखाने के। पखाना कहाँ पड़ता है? ये तराबरी के पास पड़ता है। तो लगता है इसकी वजह से मौत हुई है? हाँ, दारू के कारण हुआ है। दारू ही नहीं पीता। चाहते हो इसको सजा हो? नहीं, विकलांग आदमी का क्या सजा करें, विकलांग के क्या सजा करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल पति काफी ज्यादा परेशान है। दीदी जी, हम बिहार ले जा सकते हैं? बिहार आपको दे देंगे पोस्टमार्टम के बाद? गाड़ी जाएगा बिहार? नहीं जाएगा ना। जाएगा? जाएगा बिहार? जाएगा। हाँ, बिहार ले जाते हैं दीदी। कोई कैसे संस्कार करेंगे हमको? तो आप इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करते थे जब आपकी वाइफ को पसंद नहीं था? नहीं दीदी, हम ज्यादा पीते नहीं हैं। आपकी वो जो वाइफ है उसकी बहन बोल रही है पीते थे? रात तो रोज पीते थे। पूछिए उनसे। नहीं, अमन जी से पूछ लीजिए। रोज पीते थे? नहीं, कभी कभी पी लेते थे ना। ये दोस्त है ना, काम जहाँ करते हैं उसको पिला दिया था, इसलिए गुस्सा हो गया। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहां एक लेडी जो है जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। हालांकि उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, रास्ते में ही जो है उसकी डेथ हो जाती है। उनके पति इस समय हमारे साथ मौजूद थे, बहन इस समय हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही कहना है कि पति के ज्यादा शराब पीने की वजह से जो है वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि उसका पति जो है वो रोज रोज शराब पिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मॉर्चरी हाउस के बाहर से। मेरी आप सभी लोगों से अपील कि उनके लिए कमेंट सेक्शन में आरआईपी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी हिमांशी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।